नमस्कार, हजार ये टाइम में आप सभी का स्वागत है। आइए डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर एक नजर। केंद्र तालबेट जो ब्लॉक पर स्थित है, इस पर सदर विधायक राम रतन कुशवाहा जी ने खुद आकर यहां पर हकीकत जानी कि किसानों को किस तरह से लाभ मिल रहा है, और हम उनसे खुद जानना चाहते हैं उन्होंने क्या परखा आज यहाँ पर केंद्र पर आकर। विधायक जी, आपने देखिए, सबसे पहले मैंने केंद्र पर यही देखा कि वहाँ केंद्र पर उनके साबुन और सैनिटाइजर की व्यवस्था है या नहीं, पानी पीने का उपलब्ध है कि नहीं है। तौला मैंने कुछ और कांटे से चेक किया, तौल भी संतोषजनक है, और सामने सभी को निर्देशित किया है कि अपने मुंह पर मास्क लगाएं अथवा तौलिया या गमछा बांधें, कोई भी खाली मुंह वैसा खोल के ना रखे। वर्कर्स भी इनके मैंने सभी को पूछा है, कह रहे थे नहीं सारी व्यवस्थाएँ यहाँ हैं। सचिव का कहना भी है कि नहीं, ये साधन सहकारी समिति का केंद्र है और इस बिल्डिंग को हम लोग उपयोग जरूर कर रहे हैं, 5-6 साल से इसकी पुताई नहीं हुई है। ये खरीद बंद होने के बाद मैं ज़रूर इस केंद्र पर ध्यान दूंगा, इसकी उचित व्यवस्था हो जाए और हमारे किसानों की भी हालत यहाँ की ठीक है। इस केंद्र पर किसान किसी तरह से तंग नहीं है और अभी सचिव के काम से मैं संतुष्ट हूँ। यहाँ पे जिस तरह से सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है, हाँ ये देखा मैंने, अभी सब लोग एक एक मीटर की दूरी पे हैं, अपने काम भी दूरी से कर रहे हैं। सरकार की मंशा अनुसार सोशल डिस्टेंस, मास्क, जितने गाइडलाइंस है, क्या सब आपने संतुष्ट हैं? हाँ, अभी तो मुझे ये देखा मैंने, मेन रूप से जो चीज़ देखनी है कि यहाँ सैनिटाइजर की व्यवस्था हो, पानी हो, साबुन का इस्तेमाल करें आदमी, हाथ धोए और हाथ धोने के बाद सैनिटाइजर लगा के ही अपने गेहूं की तुलाई करे। निश्चित रूप से ये सब व्यवस्था किसानों के लिए पानी यहाँ उपलब्ध है, पीने को? हाँ, पीने का पानी उपलब्ध है। मटके रखे हुए आपके सामने ही है, देख लीजिए, मटके रखे हुए हैं। अच्छा, ठीक। आपने कुछ दिशा निर्देश दिए? जरूरी यही कहा कि किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। टोकन के अलावा भी कोई किसान अगर आता है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है तो उसको अगर वो सत्यापन करा के अपने कागज दे रहा है तो उसको भी यहाँ उसका गेहूँ लिया जाए। धन्यवाद। ये थे सदर विधायक राम रतन कुशवाहा। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसान को किसी भी सूरत पर दिक्कत नहीं होगी, किसान का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जिस तरह से सरकार की मंशा है उस हिसाब से हमारा अन्नदाता किसी भी तरह से किसी भी सूरत में परेशान नहीं रहेगा।